हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बटवे की कलेजी। इसमें हमने प्याज कटिंग करी हुई है, इधर हरी मिर्च कटिंग की हुई है, टमाटर कटिंग किए हुए हैं, और इधर हमने ये ऑयल डाल दिया है अपने हिसाब से। अब ये देखें, हम इसमें प्याज डाल देते हैं। हाँ, तो देखें गैस हमने थोड़ा सा तेज कर दिया, हल्का लाइट ब्राउन प्याज करेंगे। फिर इसको हम निकाल लेंगे, फिर इसको हम पीसेंगे और फिर हम इसमें कलेजी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन डाल के, अदरक लहसुन हमने पीसा हुआ था ना, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में अच्छे से फ्राई करनी है कलेजी को। फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे जब कलेजी गल जाएगी। तो हाँ, तो देखिए प्याज हमने ब्राउन करके निकाली, अब हम इसमें टमाटर भून लेते हैं। टमाटर में ही हम कलेजी डाल देंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल देते हैं। साथ में जो हरी मिर्च कटिंग करी है ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ, तो देखें फिर हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। और हाँ, तो देखें फिर इसमें हम लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। एक चम्मच आधा चम्मच डाला हमने और आधा चम्मच और डाल देते हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है इसमें। हो जाए देखिए मॉइस्चर से कितनी अच्छी शक्ल लग रही है कलेजी की ना। कलेजी पानी में गल जाएगी, बकरे की ये जल्दी गल जाएगी। ये देखें हम अपन गरम मसाला ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब इसको भूनने देते हैं हल्की आंच पे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करें। देखिए अच्छे सा ऑयल आ गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी कलेजी बकरे की जो है वो गल जाए। देखते हैं पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें एक ग्लास के करीब। अच्छा, तो देखिए हल्दी हमने इसमें डाली नहीं है और अभी नमक नहीं डाला हमने इसमें ना। हाँ, तो देखिए नमक ऐड कर देते हैं, आधा चम्मच डालेंगे। फिर थोड़ा सा अगर कम लगेगा तो फिर हम ऊपर से डाल देंगे। टेस्ट कर लेना, कम लगे तो और डाल देना। अब ये हम इसको रख देते हैं। गैस का थोड़ा सा मसला था तो इसलिए हम सिलेंडर पे बना रहे हैं। इतनी यम्मी ऐसी कलेजी बनेगी, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। हाँ, तो देखें अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं जो हमने पीसी है। ये देखें हमने इस पर प्याज की पीस ली, हमने ये ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से भून लेते हैं हम। देखें हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने और अब इसको हम रख देते हैं गलने के लिए। और जैसे ही ये गल जाती है तो इसका ऑयल आ जाएगा, तो हम इसको खुला इसका हम बंद कर देंगे माशाल्लाह से। इसका चूल्हा हम कम कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए माशाल्लाह से आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।